अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शहराब मुनव्वर सिद्दीकी और इस वक्त आप मुझे ARY डिजिटल के पोर्टल पर देख रहे हैं। फॉर मोर एक्साइटिंग न्यूज सब्सक्राइब टू द YouTube चैनल ARY डिजिटल। सखार महमूद। अच्छा, महमूद ने आपको इसकी लत लगाई है। कीड़े पड़े महमूद को। अरे महमूद, मैं हूँ यार, और मैं कोई नशा वशा नहीं करता। अच्छा, तो ये बोतल किस चीज की है फिर? अरे भाई, ऐसे रास्ते में पड़ी मिल गई मुझे और मैं इसे उठा के ले आया। तुम ना इसे अच्छी तरह से धो लो, फिर हम इसमें मनी प्लांट लगाएंगे। अच्छा, तो फिर वो प्लांट हमें मनी देगा शिफी? अरे नहीं भाई। अच्छा तुम जाके इसे अच्छी तरह से धो लो, मैं ना इसका ढक्कन खोल देता हूँ। ये क्या है? आप कौन हैं? मैं बेगम हूँ। बेगम? कुटिया आदमी मसाऊद, ये तेरी बेगम है? अरे मोमो, मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ भाई। अरे मेरा नाम बेगम है और मैं एक चुड़ैल हूँ। चुड़ैल? यार आप लोग तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे आप लोगों ने भूत देख लिए। ना पुत्र, भूत नहीं देखा हमने, भूत देखी है। क्या? वो जिसे देख के चीके निकल जाती है ना। आपने अपनी तस्वीर देख ली होगी माँ जी। चुप है, हमने सचमुच में वो देखी है। ये सच कह रही है? अरे हमने चुड़ैल देखी है खूबसूरत। यार मामू साहब, क्या हो गया, बावले हो गए यार, चुड़ैल खूबसूरत कहाँ होती है? अरे भाई हमारे घर में चुड़ैल है, तुम लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बेगम हूँ। किसकी बेगम? मेरा नाम बेगम है बेवकूफ, और मैं इनकी कनीज हूँ। नहीं तू डिसाइड कर ले, तेरा नाम बेगम है या कनीज है। मेरा नाम बेगम है और मैं इनकी कनीज हूँ। आप बताएं क्या हुक्म है मेरे आका? क्या? मेरी कनीज? अरे भाई मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। आपने मुझे उस बोतल से आजाद करवाया था ना, अब मैं आपकी कनीज हूँ। एक अच्छी बेगम की तरह मैं आपको हर हुक्म मानूंगी मेरे आका। बताएं क्या हुक्म है? अरे मुझे नहीं पता, जो तुम्हारा दिल आ रहा है वो करो। मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि इन सबको गरम गरम तेल में फ्राई करूं और खा जाऊं। सच सच बताएं नान, कहीं ये चुड़ैल आपकी असली बेगम तो नहीं? कहीं पिछले जन्म में आप ऐनक वाला जिन तो नहीं थे? बोले क्या बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे एक चुड़ैल काम की क्या, ऊपर से एक और भी आ गई है मेरी जिंदगी में। आपकी बेगम हाजिर है मेरे आका। इनकी सिर्फ एक ही बेगम है और उसका नाम है हसीना। आप हुक्म करें मेरे आका, मैं मसरूफ रहना चाहती हूँ, वरना मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं होगी और मैं इन सबको एक एक करके खा जाऊंगी। मसूद, आप इससे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा लेना। हाँ, जाओ जाके मोमो के लिए ना कंगन लेकर आओ। जो हुक्म मेरे आका। हाय मुस्तकीम, गलती हो गई मुझसे, मुझे ना सोने के नहीं हीरे के कंगन मंगवाने चाहिए था ना। अरे लालच बुरी बला है मुमताज। कौन सी बला बद्रुद्दीन? ये लो कंगन। कितने तोले के हैं बहन? अरे ये तो नकली लग रहे हैं भाई, हमने तो सोने के कहे थे। सोना तो बहुत महंगा हो गया मेरे आका, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, 1500 रुपए के लाई हूँ, लाए मेरे पैसे निकाले। अरे तुम चुड़ैल हो के मुझसे पैसे मांग रही हो? भाई मैं तो खुद एक रिटायर्ड आदमी हूँ। ये तो आपको ख्वाहिश करने से पहले सोचना चाहिए था ना, जल्दी से मेरे 1500 रुपए निकाले, बड़ी मुश्किल से जमा किए मैंने। अच्छा भाई ये लो, ये लो, अब तुम जाओ, अब हम कुछ देर आराम करना चाहते हैं।
मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? अरे कोई हुक्म नहीं है भाई, माफ कर दो हमें। मैं आपके गुनाह माफ नहीं कर सकती मेरे आका, आप बस मुझे हुक्म करें वरना मुझे भूख लग जाएगी और मैं आपकी हट्टी कट्टी बीवी को कच्चा खा जाऊंगी। आप इसको जल्दी से हुक्म दे देना प्लीज। मेरे आका, आपका कोई जानी दुश्मन है जिसे आपको मजा चकाना है? नबील कुछ समझ नहीं आ रही यार, अचानक से ये चुड़ैल कहाँ से आ गई है? जानू मुझे तो लगता है ये महमूद साहब का कोई पुराना अफेयर है यार जो इसका पीछा करते हुए आई है। तुमने गौर से कभी महमूद साहब को देखा नहीं है? उनकी शक्ल जो है ना, उनका मुंह ऐनक वाला जन लगता है यार। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, उस चुड़ैल ने हमें धमकी दी है नबील कि हमें कच्चा खा जाएगी, अब हम क्या करेंगे? ओ जानू, ये चुड़ैल हमें कहाँ खा सकती है जानू, ऐसी इसकी हिम्मत, हमारे पापा जी इसको साबित निकल जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। नबील ओके जानू, वैसे मुझ जैसे बहादुर शौहर के होते हुए तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बालों से पकड़ कर उसे बाहर फेंक दूंगा। अब बता बच्चू क्या कह रहा था मेरे बारे में? मैं तो तारीफें कर रहा था, आपकी बड़ी तारीफें की है मैंने, मैं आपकी अजमत के गुण गा रहा था। ये अजमत कौन है पता मुझे जल्दी से, मुझे इसे कच्चा खाना है। जानू मुझे बचा लो, तुम्हारा सुहाग खतरे में है जानू। तुम तो कह रहे थे तुम नहीं डरते इनसे, अब क्या हुआ? देखो चुड़ैल बहन, मैं ना तुम्हारे आका का बेटा हूँ तो मैं भी तुम्हारा आका हुआ ना। तुझे अगर अपनी जान बचानी है ना तो फौरन भाग यहाँ से, क्योंकि मेरे आका का हुक्म है कि जैसे ही तू भागना बंद करेगा ना मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। बस मुझे एक मिनट दे मोहतरमा, मैं ना अभी भाग रहा हूं। 1, 2, 3 चुड़ैल से शादी करने की। मैं खूबसूरत हूँ माँ जी। हाँ तो तुझे क्या जरूरत थी इस खूबसूरत चुड़ैल से शादी करने की, बोल कफील। ओ माँ जी, मैं इस चुड़ैल की बात नहीं कर रहा यार। चल बेटा तैयार हो जा आप मरने के लिए, बड़ी भूख लगी हुई है मुझे, आज सालों के बाद इंसानी गोश्त खाने को मिलेगा मुझे। माँ जी मुझे बचा ले यार। महमूद साहब आप प्लीज इन्हें समझाएं, इन्हें कहें अपनी बोतल में वापस चली जाएं। आपको मेरी कसम है मसूद, इस चड़ैल को ना बोतल में वापस भेजें। अच्छा भाई अगर तुम सब इतना इसरार करते हो तो मैं कुछ करता हूँ। अब बेगम जी मिस याउद। अरे भाई मैं इस बेगम से मुखातिब हूँ। आज सुनो बेगम, तुम बोतल में ना वापस चली जाओ। जो हुक्म मेरे आका। अब आराम से बैठ के सोचते हैं कि हम इस चुड़ैल से क्या क्या काम ले सकते हैं। महमूद साहब, ये चुड़ैल हमारे लिए खजाने के ढेर लगा सकती है। वो जो ये जगह जगह ढेर लगाएगी वो खजाने के होंगे? हाँ जी। अच्छा जी, मेरा ख्याल है लॉन में चल के सोचते हैं। माँ जी ये बोतल उठा ले। महमूद साहब, आपने चुड़ैल को अगली बार ये हुक्म देना है कि पापा जी की सारी जायदाद मेरे नाम करवा दे।
नबील तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये तो बचपन से ही बेशर्म है। पांचवी क्लास में चार बार फेल होने के बाद भी इसको शर्म नहीं आई थी। माँ जी, भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि चुड़ैल से कह के अपनी पेंशन बढ़ा लूँ। कर दी ना आपने, बड़े सारे मुंह से छोटी सी बात। अच्छा तो तुम बता दो क्या करवाएं फिर हम चुड़ैल से? महमूद साहब, हम चुड़ैल से ना बैंक में डकैती करवाएंगे। क्या हुक्म है मेरे आका, मुझे जल्दी से कोई हुक्म दे इससे पहले कि मैं अपनी भूख पर काबू नहीं रख सकूं। साहब जल्दी से इसको बैंक लूटने का कहें यार। मैं चाहता हूं कि तुम बैंक में डाका डालो और सारा पैसा लाकर मुझे दे दो। कितने घटिया हो तुम लोग, मैं कोई डाका वाका नहीं डालूंगी। मैं खानदानी चुड़ैल हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी। लो जी शरीफ, चुड़ैल का हमने क्या अचार डालने इश्फाक, आप इसे बोतल में वापस भेजें। अब मैं कहीं नहीं जा सकती, अब तो तुम लोगों ने मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मैं यहीं रहूंगी तुम लोगों के साथ। जल्दी से बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है मेरे लिए इससे पहले कि मैं अपनी भूख पर काबू ना पा सकूं और तुम सब लोगों को खा जाऊं। नबील, मैं जा रही हूं अपने पापा के घर। जानू, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हो यार। अपने मिजाज ही खुदा को इस चुड़ैल के आगे डाल के जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो हम दोनों चलते हैं। वो देखो जिन। ये सब आपकी वजह से हुआ है अफ्तखार। महमूद यार, ये महमूद की वजह से नहीं हुआ, आपकी वजह से हुआ। जब आपकी इतनी हसीन बीवी घर में मौजूद थी, कम थी, इधर चुड़ैल को भी लेकर आ गए। यार आप लोग वैसे क्या करते हैं हर वक्त, कुछ ना कुछ भंड करते रहते हैं, अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे छुपे बैठे हो हैं? जल्दी से बताओ मेरे आका, पहले किसको खाऊं, सास को या बहू को? बहन, ये मेरी बहू बड़ी डायन है, इसे खा ले पहले। अच्छा तो ये डायन है, फिर तो मैं इसे नहीं खा सकती भाई। मेरी भूख तो सिर्फ इंसानों को खाने से मिटती है। तो एक काम करें आप चुड़ैल बेगम, महमूद साहब की कुर्बानी हमारी तरफ से कबूल कर लें। महमूद साहब अपनी जान पर खेल कर हम सबको बचा लेंगे। अरे भाई पहले मुझसे तो पूछ लो, मैं अभी मरना वरना नहीं चाहता। ओ यार महमूद साहब, कुछ सालों के मेहमान हैं आप, किसी के काम तो आ जाए। हाँ महमूद साहब, आप ही इस चुड़ैल के आका हैं, आप हमें इस मुसीबत से निकालेंगे, इसे कहीं कहीं दूर चली जाए। देखो बेगम, अब चुड़ैल बेगम तुम वापस चली जाओ प्लीज। आपके मुंह से बेगम सुनना कितना अच्छा लगता है मेरे आका। खबरदार जो मेरे हाशम पर बुरी नजर डाली हो तो। ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? वो मैं सिर्फ अपने आका को बताऊंगी। चले मेरे आका मेरे साथ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। शुक्र है वो यहाँ नहीं है। सभी बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? देखो अगर तुम हम सबको छोड़ने के बदले में नबील को खाना चाहती हो तो भाई मुझे मंजूर है, वो वैसे भी इस घर पे बहुत बड़ा बोझ है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे निकाह करके मुझे सचमुच में अपनी बेगम बना लें। हम दोनों शादी के बाद कोहिस्तान चले जाएंगे, मैं वहाँ बहुत बड़ा महल बनाऊंगी आपके लिए मेरे आका। देखो बेगम मेरी बहन। खबरदार जो मुझे बहन का, मैं आपकी बेगम हूँ मेरे आका, आपको मुझसे शादी करनी होगी। हाँ देखो मैं कोहिस्तान नहीं जाना चाहता, हमारा जो कैमरा मैन है ना उबैद खान, उसको ले जाओ, वो वहीं का है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता भाई। आप कुछ नहीं हो सकता मेरे आका, अब तो मैंने हमारे बच्चों के नाम भी सोच लिए हैं। क्या? हाँ लड़का हुआ तो जालूत और लड़की हुई तो जर्मीना। बेगम ये शादी नहीं हो सकती। अरे मेरे बाल बच्चों का क्या होगा भाई? बाल तो मैं आपके कोहिस्तान जाके लगवा दूंगी आका, बच्चों को चाहे तो साथ ले ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। इससे खूबसूरत बेगम आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे आका, और अब ये शादी तो होकर ही रहेगी। मैंने तो अपनी सारी फैमिली को भी बुला लिया है, कल तक मेरे सारे चुड़ैल चचियां, जिन चाचा मामू सब यहाँ पर आ जाएंगे शादी में शिरकत के लिए। नहीं।
लगता है शर्मा गया। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं, उस पार की देखी जाएगी भले उस पार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई क्या है जाए जलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई क्या है जाए जलता जा। मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ, जब वो चुड़ैल घर से चली जाए मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। नबील, अरे यार उस चुड़ैल ने तो बहुत ही नामुमकिन सी शर्त रख दी है। क्या कह दिया उसने, क्या बोला है कि आप दांतों से ट्रक खींच के दिखाए, ये कह रही है कि खूबसूरत के हाथ का बना हुआ पराठा खा के दिखाए। नबील शट अप। यार नबील, वो मुझे कह रही है कि मैं उससे शादी करके कोहिस्तान चला जाऊं। ओ चाहे महमूद साहब, एक टाइम में दो बुलाओं से हमारी जान छूटेगी। यार नबील, मैं तुम्हारा बाप हूँ यार। अच्छा, उस वक्त मेरे बाप नहीं थे जब उस चुड़ैल को मेरे पीछे लगा दिया था। वैसे महमूद साहब की और उस चुड़ैल की जोड़ी लगेगी बहुत अच्छी जानू। खूबसूरत, और तुम्हें कुछ समझाओ ना इसे। यार नबील प्लीज मुझे बचा लो। नबील, हमें महमूद साहब की मदद करनी चाहिए यार। और जानू, अगर उस चुड़ैल की जगह परी होती ना तो मैं इनके लिए कुर्बानी दे सकता था यार। नहीं नबील, तुम्हें फौरन महमूद साहब की मदद करनी होगी। जानू, अब मैं इनकी मदद नहीं कर सकता, इनकी मदद सिर्फ और सिर्फ बाबा टिंग टोंग कर सकता है। बाबा टिंग टोंग। टिंग टोंग, टिंग टोंग। दरवाजा तो मैंने कब का खोल दिया, अब क्यों टिंग टोंग कर रहा है तू? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। वह पहचान लिया, तू वो है ना बच्चू? वो कौन? वही जो पिछली बार मुझे ब्यूटी क्रीम बेच के गया था, याद है? इतने बड़े बड़े फोड़े निकल आए थे मेरे मुंह पे वसीम। मेरा नाम वसीम नहीं है। और तेरा नाम कुछ भी हो, मैंने इस बार तुझसे कुछ नहीं खरीदना। मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं बाबा हूँ बाबा। भाई तू बाबा है, तुझे शर्म नहीं आती भिखारी भीख मांगते हुए? अरे मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं भूत भगाने आया हूँ, भूत। पर हमारे घर में तो कोई भूत नहीं है बच्चू। फिर नबील ने मुझे फोन क्यों किया? और मुझे क्या पता, मैं किसी नबील को नहीं जानती। चल भाग इधर से। अरे बाबा आप आ गए। लेकिन बाबा जी, आप तो इतना तैयार हुए हैं, क्या शादी वादी पे जा रहे हैं? हाँ, मुझे एक शादी में जाना है और वहाँ दूल्हा का जिन भगाना है। जल्दी बताओ भूत कहाँ है जिसे भगाना है? आप अंदर तो आइए ना। हाँ। आप तशरीफ लाइए, आइए। सिर्फ खूबसूरत हूँ, चुड़ैल नहीं हूँ। अच्छा तो वो चुड़ैल है कहाँ? ये तो सचमुच की चुड़ैल है। हाँ तो सचमुच की चुड़ैल ही भगानी है। बाबा जी क्या कर रहे हैं? टिंग टोंग उठे यार, बाबा जी क्या कर रहे हैं आप यार? भगाइए इसको, उठे उठे। मैं तो सिर्फ अपने आका महमूद के साथ भागूंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं भाग सकता, मेरे पाँव में ना बड़ा दर्द है। कितना झूठ बोलते हैं फरीद, आप थोड़ी देर पहले तो आप छलांगे लगाते फिर रहे थे। ओ बाबा जी, हमने आपको इसको भगाने के लिए बुलाया था। बाबा जी टिंग टोंग, भगाएं इसको। वो तुम लोग मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर पाओगे, वरना मैं तो इसको चुटकियों में भगा दूं। आप फिक्र मत करें बाबा जी, आपकी फीस जो भी होगी आपको मिल जाएगी, आप बस इन्हें भगाएं यहाँ से। हाँ हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं, बाबा जी को चुड़ैल के बाद छोड़ चलते हैं। अकेला छोड़।
छोड़ के बहन नहीं हो, मेरी बहन, छोटी बहन। यार नबील, मुझे तो लगता है ये चुड़ैल बेगम जो है ये बाबा टिंग टोंग को सालम ही खा गई है। यार नबील, वैसे इस बाबे का खून अब तुम्हारे सर पे होगा। ओ, मेरे सर पे क्यों होगा भाई, मुझे बाबा पर टिंग टोंग पर पूरा भरोसा है। मैं तो कहती हूँ आप उस चुड़ैल से शादी कर ही लें। ये क्या कह रही हो तुम मोमो? मैं आपके बगैर 3-4 महीने तो निकाल लूंगी मनवर। तो उसके बाद क्या करोगी मोमो? दूसरी शादी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ बहन। नहीं हो? नहीं, जब तक तुम मेरी महमूद से शादी नहीं करा देते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ देखो, तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ, मैं वादा करता हूँ कि मैं महमूद साहब को मना लूंगा और उनका निकाह और तुम्हारा निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर तूने अपना वादा तोड़ा तो सबसे पहले मैं तेरा खून पी जाऊंगी। भाई अब तुम लोग सब बाहर आ जाओ। बाबा जी ने काम कर दिया, मैं कह रहा था ना आज वो। लो भाई, भगा दिया मैंने। अरे बाबा टिंग टोंग, अरे आपने तो कमाल कर दिया, आप कितने अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा मस्का नहीं लगाओ, मेरी फीस निकालो, जल्दी करो जल्दी करो, मुझे शादी में जाना, दूल्हे का जिन निकालना है। बताएं कितनी फीस है आपकी? 25,000। वशे, मुझे भी अपना शिगिर्द बना लेना बाबा जी। ओ, मुझे जल्दी से पैसे दे दो, नहीं तो चुड़ैल को वापस बुला लूंगा। हाँ। नहीं बाबा जी, नहीं चुड़ैल दोबारा नहीं बुलानी। जानू जाओ यार, फीस ले गया बाबा जी। अभी लाए। ओके जानू, लो भाई आज मुझे सुकून की नींद नसीब होगी। वो जो आज तुम्हें सुकून की नसीब होगी वो नींद होगी। हाँ जी। अच्छा जी। आ रहे आ रहे आ रहे बाबा जी। ओ जानू, नहीं तो मैं चुड़ैल को बुला लूंगा। मोमो, अरे शुक्र करो, अल्लाह ने हमें बचा लिया। मोमो, अल्लाह ने हमें बचा लिया। मोमो, तुम तो जानती हो मेरी जान, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अरे मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मोमो मोमो, तुमको बात क्यों नहीं कर रही हो? मामा मामा, क्या हुक्म है मेरे आका? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस बार की देखी जाएगी बले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए। Assalamu alaikum everyone, this is Shahab Munawwar Siddiqui and I have some exciting news for you. For more of me and Pare Hat Love and the entire team, download the application ARY Digital Key for instant updates and news bites.